यूनिट 5 को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने आपके ऑलरेडी यूनिट 4 तक डिस्कस कर लिया, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट पे जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने आपके सिंधु घाटी की सभ्यता यानी हरप्पा सिविलाइजेशन तक अपना सब कुछ हमने कवर कर लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले व्हाट बुक्स एंड ब्यूरल्स टेल अस, यानी आपको पता है कि हमें अपने इतिहास के टाइम में हम जो भी चीज़ें पढ़ते हैं तो हमें कुछ ना कुछ किताबें ज़रूर मिली हैं जिसके थ्रू आज हम अपने इतिहास को पढ़ पाते हैं। ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो आपको इस चैप्टर के अंदर वैदिक पीरियड या फिर आपका वैदिक काल, इसके बारे में हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, कोई डाउट या क्वेरी तो आप कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि हमारे एग्जाम में कई बार यहाँ से क्वेश्चन आया कि आपसे पूछा जाता है कि हमारे सबसे ओल्डेस्ट यानी सबसे पुरानी बुक और सबसे अर्लीस्ट यानी सबसे पहली बुक कौन सी थी। तो आप लोग भी जानते हो कि आज हम लोग यहाँ पर वेद के बारे में पढ़ रहे हैं और हमें टोटल कितने वेद देखने को मिलते हैं, 4। इतनी बेसिक नॉलेज हम सभी को है, जिसमें से सबसे ओल्डेस्ट और सबसे अर्लीस्ट वेद होता है आपका ऋग्वेद। उसके बाद आता है आपका सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ये चार हमें वेद देखने को मिलते हैं और जिसमें से ओल्डेस्ट वेद आपको अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया ऋग्वेद है, कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो। तो आपको ये टाइम पीरियड भी याद रखना, आपके ऑलरेडी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है और ये आपसे पूछा गया है कि ऋग्वेद ओल्डेस्ट तो है, ये सबको बात पता है, लेकिन आज से कितने टाइम पहले, तो 35 ईयर्स अगो, क्योंकि यहाँ पर हमारे एग्जाम में 35 की जगह कभी 37 मेंशन कर देते, कभी 2500, तो सबको कन्फ्यूजन हो जाती है। तो टाइम पीरियड याद रखना, ऋग्वेद में हमारे बहुत सारे हिम यानी मंत्र इंक्लूड है जिसको हम सूक्त कहते हैं। क्या कहते हैं? सूक्त। और ये हिम में यानी जो हमारे इस हिम में क्या क्या चीज़ें मेंशन है, उस टाइम पर कौन से देवी देवताओं की वर्शिप की जाती थी, वो सब कुछ हमें ऋग्वेद में देखने को मिलते हैं। देखो जैसे कि आप सभी जानते कि हम अपने वैदिक पीरियड की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक पीरियड को हम दो पार्ट में कवर करते हैं। एक होता है आपका अर्ली वैदिक पीरियड या फिर जिसे आप ऋग्वैदिक काल के नाम से भी जानते हो, दूसरा होता है लेटर वैदिक पीरियड यानी उत्तर वैदिक काल। तो अर्ली वैदिक पीरियड या फिर हम जिसे आपका ऋग्वैदिक पीरियड भी कहते हैं, तो उस टाइम पर जो लोग हैं वो आपके अग्नि, इंद्र और सोम, इनकी वर्शिप किया करते थे। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि आपका अग्नि, इंद्र और सोम जो है ये अर्ली वैदिक में इनकी वर्शिप की जाती थी या लेटर वैदिक में, तो राइट आंसर हमारा अर्ली या फिर ऋग्वैदिक काल होगा। अग्नि मतलब द गॉड ऑफ फायर, इंद्र मतलब अ वॉरियर गॉड और सोम मतलब अ प्लांट फ्रॉम विच अ स्पेशल ड्रिंक वॉज प्रिपेयर्ड। इतनी सब बातें आप सभी को ऑलरेडी पता ही है। यहीं पर मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि लेटर वैदिक पीरियड में अगर हम बात करते हैं आपके अग्नि, इंद्र, सोम की जो इंपॉर्टेंस है वो कम हो जाती है। इसमें जो आपकी वर्शिप की जाती है वो किसकी की जाती है? यस, विष्णु और शिव की। तो ये भी चीज़ें हमें याद होना चाहिए कि अर्ली और लेटर के टाइम पर हमारा जो रिलीजियस जो उस टाइम पर जो लोग हैं किनकी कौन से देवी देवताओं की पूजा करते थे, ये बातें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट यहाँ पर आपकी मेंशन की गई है कि ये हिम जो है कौन कंपोज करता था, तो उस टाइम का आपके ऋषि मुनि हुआ करते थे ना, वो सभी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पर आपके कुछ जो ऐसे बताया जाता है कि कुछ इसको कंपोज करने वाली वुमेन भी अगर यहाँ पर आपके स्टेटमेंट में आ जाए तो यस, बिल्कुल अ फ्यू वर कंपोज्ड बाय वुमेन और ऋग्वेद हमारा सबसे पुराना और वैदिक है। और याद रखना है इसमें जो चीज़ें लिखी गई हैं वो आपके संस्कृत भाषा में लिखी गई हैं। तो ये पूरा पैराग्राफ ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो ऋग्वेदिक काल से रिलेटेड है, जहाँ से हमारे स्टेटमेंट में क्वेश्चंस पूछा जाता है। फिर आपके संस्कृत और अलग यानी दूसरी भाषाओं के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर अगर आप देखते हो कि संस्कृत और अदर लैंग्वेज में, तो आपको पता है कि सबसे पहले जो भाषा हमें संस्कृत देखने को मिलती है, तो इसके साथ जो इज़ अ पार्ट ऑफ अ फैमिली ऑफ लैंग्वेज, तो इसे हम इंडो यूरोपियन कहते हैं। तो हमारे इंडियन लैंग्वेज में हमारे भारत की जो भाषाएँ हैं उसमें आपके असम, गुजराती, हिंदी, आपकी कश्मीर और सिंध आता है। और वहीं अगर आपसे एशियन की भाषाएं लैंग्वेज पूछी जाए तो उसमें आपका पर्शियन, और यूरोपियन की लैंग्वेज पूछा जाए तो आपका उसमें इंग्लिश, फ्रांस, जर्मन, ग्रीक, इटली, स्पेनिश, ये सारी हो। तो यहाँ पर आपके स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको यहाँ पर घुमाकर भी पूछा जाता है। तो ओवरऑल इस बॉक्स में आपको क्या समझ आया कि एक तो आपको इंडियन लैंग्वेज पता होना चाहिए, नेक्स्ट जो आपको पता होना चाहिए एशियन लैंग्वेज, और उसके बाद आपको पता होना चाहिए आपके यूरोपियन लैंग्वेज की कौन कौन सी भाषाओं में कौन कौन सी लैंग्वेजेस आती हैं। ये सब कुछ आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम में। उसके बाद ये वर्ड जो संस्कृत आप देखोगे, देखो संस्कृत में यहाँ पर क्या बोला जाता है, देखो इंग्लिश में तो मदर बोलते हैं, ये बात आप सभी को पता है, हिंदी में इसको माँ बोलते हैं और संस्कृत में इन्हें मातृ बोलते हैं ना, मातृभाषा। जैसे कि हम लैंग्वेज को क्या बोलते हैं, मातृभाषा बोलते हैं ना, तो मातृ जो वर्ड है ये हमारा एक संस्कृत वर्ड है, माँ वर्ड जो आता है वो एक हिंदी वर्ड है, और जो मदर एक आप देख रहे हो ये एक इंग्लिश वर्ड है। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पर आपके बताया जा रहा है कि हमारे बहुत सारे लैंग्वेजेस आप देखोगे अलग अलग
फैमिलीज में अलग अलग भाषाएं जो है वो बोली जाती है। हमारे नॉर्थ ईस्ट की साइड की तरफ यहाँ पर बात करेंगे, जहाँ पर आपकी तिब्बत और बुर्मन फैमिली देखोगे, जहाँ पर आपकी तमिल भाषा, तेलुगु, कन्नड़, आपका मलयालम बिलोंग टू द ड्रेविडियन फैमिली। ठीक है, तो जितने लोग आपके कन्नड़, तेलुगु, मलयालम इस तरीके की भाषाओं का यूज़ करते हैं वो आपके ड्रेविडियन फैमिली में आते हैं। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड एंड द पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया। तो जितने लोग आपके झारखंड में या हमारे भारत के जो सेंट्रल इंडिया का जो पार्ट है वो आपके बिलोंग करते हैं एस्ट्रो एशियाटिक फैमिली से। ठीक है, तो ये इस बॉक्स में से रिलेटेड जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो मैंने यहाँ पर अंडरलाइन कर रखा है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है अपने एग्जाम के टाइम में, सिर्फ यही नोट्स आपको काम आने वाले हैं। अगर आपने इस एनसीईआरटी की सीरीज को प्रॉपर तरीके से कर लिया तो आपको अपने 40 मार्क्स का एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे, आपके नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया गया है द बुक वी यूज रिटन एंड प्रिंटेड। ठीक है, तो उस टाइम पर जो बुक लिखी जाती थी फिर प्रिंट की जाती थी, तो ऋग्वेद के बारे में बताया गया, ऋग्वेद वॉज रिसाइटेड एंड हेयर्ड रेदर देन रीड। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि ये पहली बुक है जो आपकी कंपोज की गई थी और ये प्रिंटेड लेस देन कितने 200 ईयर्स अगो, तो टाइम पीरियड हमें याद रखना है। ये वाला जो आप पैराग्राफ देख रहे हो इसमें जो ये लाइन है ये स्टेटमेंट भी ऋग्वेद से रिलेटेड हमारे एग्जाम में पूछा गया। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो अभी आपके ऋग्वेद से रिलेटेड कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं क्वेश्चन और ये सारे फैक्ट्स आपको याद होने चाहिए। अब यहाँ पर बात की गई है नेक्स्ट पैराग्राफ में कि कैसे हमारे इतिहासकारों ने ऋग्वेद को स्टडी किया था। तो देखो ऋग्वेद की अगर हम बात करें तो ऋग्वेद आर इन द फॉर्म ऑफ डायलॉग। ठीक है, और ये एक आपके कुछ हिम का पार्ट भी है। ये इसमें आप देखोगे कि इसमें आपको डायलॉग मिलेगा कि एक साधु का जिसका नाम था आपका विश्वामित्र, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ऋग्वेद में आप देखोगे कि डायलॉग है कौन से सेज यानी साधु का, तो वो है विश्वामित्र, और आपके दो रिवर्स के बारे में मेंशन है जिसमें व्यास और आपका सतलज। ठीक है, दैट वर वर्शिप एज अ गॉडेस, तो ये बात आप भी जानते हो कि इनकी पूजा भी यहाँ पर की जाती है। तो ऋग्वेद में हमें डायलॉग किसके बारे में देखने को मिलता है, तो विश्वामित्र याद रखना, और रिवर की बात करें तो व्यास और आपका सतलज सही है। गंगा यमुना भी ऑप्शन में होगा लेकिन वो राइट आंसर नहीं होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पर मैन्यूस्क्रिप्ट देख रहे हो कि हमारे ऋग्वेद में जो मैन्यूस्क्रिप्ट पांडुलिपि का जो पेज है कुछ इस तरीके का नजर आता था। दिस मैन्यूस्क्रिप्ट ऑफ द ऋग्वेद ऑन बिर्च बार, तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि हमारे जो मैन्यूस्क्रिप्ट उस टाइम पर लिखी जाती थी वो आपके कौन से पेजेस पे कौन सा यहाँ पर आपका ट्री का यूज किया जाता था, और जैसे कि आप जानते हो तो ये कहाँ पर फाउंड होता है, तो राइट आंसर है आपका कश्मीर में। अबाउट 150 ईयर्स अगो इट वॉज यूज टू प्रिपेयर वन ऑफ द अर्लीस्ट प्रिंटेड टेस्ट ऑफ द ऋग्वेद, और ये बाद में आपके इंग्लिश में भी ट्रांसलेट किया गया था। और आज के टाइम पर अगर हम बात करते हैं तो इसको आपके पुणे महाराष्ट्र की लाइब्रेरी में प्रिजर्व करके रखा गया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, कश्मीर याद रखना है, बिर्चबाग आपको याद रखना है। आज से 150 साल पहले बताया गया है कि ये जो टेस्ट हमें देखने को मिलता है इसको प्रिपेयर किया गया था, बाद में ये संस्कृत भाषा में तो लिखा गया लेकिन आपके इंग्लिश में भी इसको ट्रांसलेट किया गया है। और आज के टाइम पर ये कहाँ प्रिजर्व है, पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट जो आपका बॉक्स देख रहे हो वो आपका विश्वामित्र और रिवर है। तो अभी अभी हमने देखा कि हमारे ऋग्वेद में दो कन्वर्सेशन देखने को मिलता है डिबेट, तो विश्वामित्र और रिवर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिए। विश्वामित्र राइट आंसर है, ओ रिवर कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक टू स्विफ्ट हाउसेस, तो ये कुछ आप रीड आउट कर लेना। ठीक है, तो ये पूरा बॉक्सेस इसी से रिलेटेड है, और यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर ये वाला पैराग्राफ है, और भी रिवर्स आप देखोगे। देखो इतिहासकारों का मानना है, पॉइंट आउट दैट दिस हिम वॉज कम्पोज इन द एरिया वेयर दिस रिवर फ्लो, इनका क्या मानना है कि ये जो मंत्र है वो वहीं पे कम्पोज हुआ है जहाँ पर क्या रिवर आपकी बहती है। ठीक है, और उस टाइम पर आपको पता है कि जो हमारी सोसाइटी में जहाँ पर हमारे सेज यानी साधु संत रहा करते थे और जहाँ पर हमारे हॉर्सेज और काओ की भी इनकी वैल्यू हुआ करती थी, और आपको पता है वैदिक पीरियड में जो वेल्दी जो उनकी वेल्थ होती थी वो कैटल्स यानी काओ होते थे। अदर रिवर्स भी आपको मिलेंगे हमारे इंदस और उसकी अदर ट्रिब्यूटरीज लाइक आपकी सरस्वती आर ऑल्सो नेम इन दिस हिम, तो ऋग्वेद में सरस्वती रिवर का भी नाम मेंशन है, और गंगा और यमुना रिवर आपके ऋग्वेद में सिर्फ वन टाइम ही मेंशन है। एग्जाम में यहाँ पर ट्वाइस भी लिखा जाता है, थ्राइस भी लिखा जाएगा, बट राइट आंसर क्या होगा, ओनली वंस। ये मिस्टेक होती है, तो क्या क्या एग्जाम में ऑप्शन आ सकते हैं और हम कहाँ गलतियाँ करते हैं वो सारी चीज़ें भी मैं आपको साथ साथ में बताती चल रही हूँ। नेक्स्ट है आपका कैटल हॉर्सेस और आपके चैरियट्स। देखो यहाँ पर बात की जा रही है ऋग्वेद में, मैंने आपको बताया जो कैटल होते हैं ना, ये आप काओ भी कहते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट वेल्थ हुआ करती थी उस टाइम पर। ठीक है, और हॉर्सेस भी देखोगे, हॉर्सेस आर वर योक्ड टू चैरियट दैट वर यूज इन द बैटल, तो आपको पता है घोड़ों का इस्तेमाल कहाँ पर आपके वॉर यानी युद्ध में बैटल में किया जाता था।
तो बैटल वर ऑल्सो फॉट फॉर लैंड, उस समय जो लड़ाई होती थी वो लैंड भूमि के लिए किया करते थे, और आपको पता है ये लैंड आपके पेस्चर के लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इस बात के लिए सारी बातें आप देखोगे जहाँ पर आपकी बारले ये सारी चीज़ें कल्टीवेट होती थी। और साथ में उन्होंने बताया कि कुछ लड़ाइयाँ आपकी वाटर के लिए भी होती थी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में मेंशन किया जा रहा है कि हमारा जो उस समय वेल्थ है, वेल्थ वॉज यूज फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ यज्ञ और सेक्रीफाइसेस, ठीक है। और नेक्स्ट पैराग्राफ की इंपॉर्टेंट चीज़ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि उस टाइम पर हमें कोई भी रेगुलर आर्मी देखने को नहीं मिलती। आपके एग्जाम में स्टेटमेंट में एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो यहाँ पर लिख देंगे हैड रेगुलर आर्मी, बट आर्मी नहीं हुआ करती थी इस टाइम पर। याद रखना आर्मी जो है वो आपको जब हमारे 6th century BC में एम्पायर किंगडम यानी साम्राज्य की शुरुआत होती है तब हमें आपके सैनिक यानी आर्मी देखने को मिलेंगे। अभी कोई रेगुलर आर्मी नहीं थी, बट यस यहाँ पर आपको असेंबलीज मिलेंगी जहाँ पर लोग मिलते थे और अपनी डिस्कशन करते थे जो भी मैटर होता था लाइक वॉर और पीस का, ठीक है। आप लोगों ने ऑलरेडी सुना होगा सभा और समिति, मुझे कमेंट करके सभी ज़रूर बताना सभा और समिति में असेंबली में क्या क्या डिफरेंस था, सभा असेंबली में कौन से मेंबर्स इंक्लूड हुआ करते थे और समिति में कौन से होते थे। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपसे कहा जा रहा है वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, तो अब हम देखेंगे हम लोगों को यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं तो यहाँ पर उनसे रिलेटेड ये। तो देखो उस टाइम की अगर हम बात करते हैं आपको दो ग्रुप देखने को मिलते हैं, एक होता है आपका प्रिस्ट का और दूसरा होता है राजा। आपको पहले भी पता है कि यहाँ पर राजा से ऊपर कौन माने जाते हैं, आपके प्रिस्ट। यानी कि आपको पता है 4 वर्ण सिस्टम आप ऑलरेडी सभी जानते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है हमारा ब्राह्मण, राइट। ब्राह्मण के नीचे आते हैं क्षत्रिय, क्षत्रिय में कौन आते हैं आपके राजा, तो राजा से भी ऊपर प्रिस्ट होते हैं, ब्राह्मण्स माने जाते हैं। उसके बाद आते हैं आपके वैश्य जिसमें सारे बिजनेसमैन होते हैं, और आपके शूद्र, 4 सभी को पता है। लास्ट में जो 5th होता है वो होता है आपका अनटचेबल, ठीक है। अनटचेबिलिटी के जो कैंडिडेट्स होते हैं जिन्हें आप चंडालास के नाम से भी जानते हो, इनके बारे में भी याद रखना, एग्जाम में यहाँ से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। They did not have capital city. याद रखना कि इन लोगों की खुद की कोई राजधानी नहीं हुआ करती थी, कोई महल नहीं हुआ करता था, कोई आर्मी नहीं हुआ करती थी, और ना ही ये लोग उस समय कोई कर यानी टैक्सेस कलेक्ट करते थे। वैदिक पीरियड में ये सारी चीज़ें नहीं हुआ करती थी, राइट। आगे बढ़ेंगे, जर्नली यहाँ पर अब बात होगी कि आपके बात की जा रही है जन की। देखो जन मतलब क्या होता है, लोग यानी पीपल, तो जन और विश का मतलब पीपल होता है। जन जो वर्ड है इसको यूज़ किया गया आपके हिंदी भाषा में, ठीक है, और जो अदर है इसको विश भी इसीलिए बुलाते हैं, और इस विश में जो जहाँ लोग रहते हैं वो वर्ड वैश्य जो है ये आपके विश वर्ड से ही आया है। विश और जन जो मेंशन है बाय नेम, तो आप देखोगे आपके पुरुजन या पुरुविश, आपके भारत जन या भारत विश, या यदु जन आप या यदुविश, ठीक है। तीनों याद रखना, यहाँ पर इनके नेम मेंशन किए गए हैं और ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, पुरुजन, भारत जन और यदुजन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताया जा रहा है कि आज के टाइम पर लोग जो है कौन से नाम के साथ फैमिलियर हैं। तो यहाँ पर पीपल ने, इंसानों ने उस टाइम पर आपके हिम जो कंपोज किया लाइक आपके आर्यंस ने, लाइक उसमें आपके दास और सब कोई आता है, ये लोग आपके कोई भी सेक्रीफाइसेस परफॉर्म नहीं करते। यहाँ पर आप देखोगे कि ये लोग अलग अलग भाषाओं को बोलते हैं, इवनली जो आपका टर्म है दास, ठीक है, और जो फेमिनिन के लिए तो दासी कहती कहलाई जाती थी, इसका मतलब होता है स्लेव। इंग्लिश में स्लेव बोलते हैं, हिंदी में दास कहते हैं। स्लेव्स का काम आपको पता है, स्लेव्स वर वुमेन एंड मैन हु वर ऑफ्टन कैप्चर्ड इन वॉर। देखो स्लेव्स की अगर हम बात करें तो ये कहाँ से आते थे, तो जब कभी भी कोई भी बैटल लड़कर आता था, युद्ध अगर जीत के आता है, मान लो कि ए और बी में यहाँ पर आपकी लड़ाई हो रही है और ए ने क्या किया बी को हरा दिया, तो बी के सारे मेंबर्स को उठा के क्या करेंगे वो स्लेव्स बना लेते थे। तो जितने लोगों को कैप्चर किया है तो ए जो हमारा साम्राज्य होगा वो बी साम्राज्य के सारे लोगों को स्लेव्स बना लेते थे इस तरीके से, ठीक है। तो ये उनकी एज अ फ्री प्रॉपर्टी होती थी क्योंकि उनके ओनर हुआ करते थे एंशेंट के टाइम पर। ये चीज़ें आप देखोगे ऋग्वेद जो मैक्सिमम यहाँ पर याद रखना, ऋग्वेद जो आपकी कंपोज हुई थी नॉर्थ वेस्ट, आपके स्टेटमेंट में नॉर्थ ईस्ट लिखा जाता है तो, लेकिन राइट आंसर क्या होगा, ऋग्वेद जो आपकी कंपोज हुई थी वो नॉर्थ वेस्ट में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट जो पैराग्राफ है मेगालिथिक से रिलेटेड है, यहाँ से भी आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन। तो मेगालिथिक्स याद रखना, ये एक बड़ा पत्थर होता है जो कि यूज होता है आपके ब्यूरल साइट पे, इसकी शुरुआत आज से 3000 साल पहले हुई। तो इससे रिलेटेड 3 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे वो मैंने साइड में मेंशन कर दिए। और लास्ट जो चीज़ याद रखना है कि ये आपको डेक्कन में, साउथ इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट में, कश्मीर में देखने को मिलता है। तो मेगालिथिक से स्टेटमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उससे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो यहाँ पर मैंने सब कुछ मेंशन कर दिया है, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। आगे और भी चीज़ें देखते हैं। देखो कुछ और भी इंपॉर्टेंट साइट्स मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से आपको, देखो कुछ मेगालिथिक्स देखो कुछ इस तरीके का आपको नजर आता है, आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हो।
तो यहाँ पर आपके जो आर्कियोलॉजिस्ट थे तो उस टाइम पर इन्होंने आपके फाइंड अ सर्कल ऑफ स्टोन बोल्डर्स और अ सिंगल लार्ज स्टोन स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। पूरा ये आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर इन्होंने स्ट्रक्चर यहाँ पर आपको बताया है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने पोर्ट्स यानी जो बर्तन हमें मिले थे जो मरे हुए लोगों के आसपास आप देखते हो, तो वो कौन से होते थे? ब्लैक एंड रेड वेयर। ठीक है, एग्जाम में आपके PGW भी हो सकता है। राइट आंसर ब्लैक एंड रेड वेयर आपको मिलेगा। टूल्स और वेपन्स भी, उपकरण और आपके हथियार भी मिलते थे आयरन के। ठीक है, कुछ हमें हॉर्सेस के स्केलेटन भी मिले, कुछ हॉर्स के इक्विपमेंट्स भी मिले, ऑर्नामेंट्स भी मिले, वो भी स्टोन के और गोल्ड के ही। तो ये सब कहाँ पर? ब्यूरियल प्लेस के आसपास। कौन कौन सी चीज़ें मिली इससे रिगार्डिंग आपके एग्जाम में क्वेश्चन में पूछा जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। क्लियर हो गया? तो ये सब कुछ आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे फाइंडिंग अबाउट सोशल डिफरेंस। तो यहाँ पर आप देखोगे कुछ चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। तो अभी मैंने आपको देख हमने रीड आउट किया कि आर्कियोलॉजिस्ट ने आपके ऑब्जेक्ट फाउंड करे कुछ, और जो भी स्केलेटन के साथ आपने देखा वो भी डेड पर्सन की, और वन स्केलेटन वॉज ब्यूरिड विथ 33 गोल्ड बीट्स, 2 स्टोन बीट्स, 4 कॉपर बैंगल्स एंड 1 कोन सेल, और कुछ जो दूसरे स्केलेटन होते थे हैव ओनली अ फ्यू पॉट्स। तो ये सब कुछ मेंशन कर रखा है कि स्केलेटन के आसपास किसने क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे स्पेशल ब्यूरल एट इनामगांव। तो इनामगांव में आप देखोगे कि यहाँ पर ये एक साइट है आपकी गोंड रिवर के आसपास, अट्रीब्यूटरी ऑफ भीमा, याद रखना इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये ऑक्यूपाई किया गया था 3600 से 2700 ईयर अगो, और अडल्ट वॉज जर्नली ब्यूरिड इन द ग्राउंड, जो जितने अडल्ट होते हैं कहाँ पर ग्राउंड में जलाया जाता था, और लेड आउट स्ट्रेट विद द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। उनका सर होता था वो कौन से डायरेक्शन में होता था? आपके नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, एग्जाम में ईस्ट वेस्ट साउथ कुछ भी मेंशन कर सकते हैं, राइट आंसर याद रखना नॉर्थ है। वन मैन वॉज फाउंड ब्यूरिड इन अ लार्ज 4 लेग्ड क्ले जार इन द कॉर्टयार्ड और 5 रूम हाउस, जो सबसे बड़ा होता था उस साइट हमें उस टाइम पर देखने को मिलती है। तो यहाँ पर जो हाउसेज होते थे, हर हाउस में आपको ग्रेनरी भी मिलेगी। ठीक है, ये चीज़ें याद रखना। उसके बाद स्केलेटन से रिलेटेड आपको एक बॉक्स दे रखा है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें। देखो, इस बॉक्स में इतना बताया कि जो बच्चों का स्केलेटन मिलता था उनके छोटे साइज होते थे। यहाँ पर बोला गया कि हमारे जो गर्ल और बॉय के जो बोन्स हड्डियाँ मिलती थी उनमें कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलता था। ठीक है, और बस फर्क ये भी करते थे कि जिसने ज्वेलरी पहनी है वो गर्ल होगी, बट आपको पता है उस टाइम पर मैन और वुमेन दोनों ही वेयर करते थे, तो कोई बड़ी बात ही नहीं। देखो, इस वाले बॉक्स में जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है कई बार एग्जाम में आता है वो है चरक। पहले तो टाइम पीरियड याद रखना, अबाउट 2000 ईयर अगो, आज से 2000 साल पहले एक फेमस फिजिशियन थे चरक। इन्होंने ये मेडिसिन की बुक लिखी थी चरक संहिता, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने बताया कि ह्यूमन बॉडी में कितने बोन्स होते हैं? 360 बोन्स। दिस इज अ मच लार्ज नंबर देन द 200 बोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब किस में मेंशन है? चरक में, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। इसमें जॉइंट कार्टिलेज सब कुछ बताया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑक्यूपेशन। इनाम गांव में जो ऑक्यूपेशन है वो उस समय आपको पता है, सीड्स हमें वीट, बारले, राइस, पल्सेस, मिलेट्स, पीस, सीसम सब मिलेंगे, हमें बोन्स भी मिलते हैं। और उसके बाद आप देखोगे कि यहाँ पर आपके कैटल्स, बफेलो और ये सारे एनिमल्स हमें उस टाइम पर देखने को मिलते हैं। ठीक है, और अलग अलग फ्रूट्स आप देखोगे लाइक आपके आंवला, जामुन, डेट्स एंड अदर वेराइटीज ऑफ बेरीज, ये सब कलेक्ट करते थे। उसके बाद लास्ट अगर हम बात करते, थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा क्योंकि ऑलरेडी आप सभी जानते हैं गणेश चतुर्थी का टाइम है, थोड़ा सा साउंड होगा, तो उस बैकग्राउंड को इग्नोर करते हुए आप मेनली अपनी स्टडी पे फोकस करना। देखो, यहाँ पर 3500 ईयर अगो की बात है, हमें जो पहला एविडेंस राइटिंग का मिलता है चाइना में। ठीक है, और ये आपके एनिमल्स के बोन्स पर देखने को मिलता है, ओरेकल बोन्स है। कौन से वो हड्डी थी जिसमें आपको ये राइटिंग का एविडेंस चाइना में देखने को मिलता है? ओरेकल बोन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपको अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है। ठीक है, ये एक बॉस से यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ है, इनाम गांव का याद रखना जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। और ऑब्वियस है आपके हर एक चैप्टर के लास्ट में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताएं कि आपके वेद की कंपोजिशन अबाउट 3500 मैंने आपको बताया, मेगालिथिक्स की जो शुरुआत है 3000 ईयर अगो, इनाम गांव का सेटलमेंट आपका 36 से 27, और चरक जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी आपकी 2000 साल पहले। ठीक है, तो ये सब कुछ इंपॉर्टेंट था और ये है आपका होमवर्क, और ये आपको ऑलरेडी करना है। आशा करती हूँ कि आज की क्लास आपको हेल्पफुल रही होगी, आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में, और जिस